भाई मेरा छुट्टी खत्म होने में यही 15 से 20 दिन रह गया है। तब कफिल बार बार रिकॉर्डिंग भेज रहा है कि बता कब आएगा तू, बता कब आएगा तू। السلام عليكم، متى تيجي؟ رد علينا متى تيجي؟ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि मैं 100 दिन नहीं जाऊंगा, तो उस पर कई लोगों का मिक्स कमेंट आ रहा है। लगता है कि किसी को समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो और बना के सही से समझा दूँ कि मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ। बाकी सब तो जो समझदार है, वो जो देख रहा है, वो तो खुद ही कमेंट करके बोल रहा है कि भाई माँ के साथ रहो, बहन के साथ रहो। मगर कुछ लोग है कि इतना देखने के बाद भी कमेंट कर रहे हैं कि सऊदी जाओ, जल्दी जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी बता दूँ सही से कि क्या प्रॉब्लम है और मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे घर में देख रहे हो, एक मैं हूँ और एक नाजिया है और एक अमी है। हम तीन ही आदमी हैं, पहले चार थे। तो एक भाई था, तो मैं भाई के ऊपर घर को छोड़ के गया था कि चलो हाँ ये एक गार्जियन है, मैं जा रहा हूँ कमाने, मैं कमा के भेजूंगा, वो घर और देख लेगा, देख लेता था तो वैसे ही। और जैसे कि देख रहे हो कि भाई के साथ हो गया, भाई अभी नहीं है घर पे, तो सिर्फ कौन रह जाता है, एक अमी और एक नाजिया। अब उसमें भी अमी का तबीयत खराब ही रहता है, कहीं पे भी कुछ भी करने जाना हो, कुछ भी लाना हो तो प्रॉब्लम होता है। एक नाजिया जाएगी, नाजिया खाना बनाएगी, नाजिया हर चीज़ खरीद के लेके आएगी, ये तो होगा नहीं। तो इसी वजह से अमी भी बोल रही है और मैं भी सोचा था कि चलो अब चलते हैं वहीं पे, जब तक भाई नहीं मिल जाता है, जब तक आप लोग देख रहे हो दिन पे दिन हमारा परिवार कम होते ही जा रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है और कौन पीछे पड़ गया है कि दिन पे दिन हमारा परिवार कम होते ही जा रहा है। वही मैंने सोचा था कि चलो शादी वगैरह कर लेंगे, एक बहू आ जाएगी यहाँ पे, बच्चे होंगे, थोड़ा परिवार बढ़ेगा, हंसी मजाक होगा, अपना शोर शराबा होगा, तो कहीं जा सकते हैं। और जब मैं शादी करने का सोच के आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो ही जा रहा कि नहीं कर पा रहा हूँ। पिछली बार भी आया था तो वही हो गया था, इस बार तो ये भाई के साथ हो गया था, तो उसके वजह से मैं टाल देता हूँ कि नहीं अभी नहीं करूँगा, जब सब शांत हो जाएगा, अच्छे से खुश रहेंगे, तब खुशी में ही खुशी मनाने में अच्छा लगता है। भाई मेरा छुट्टी खत्म होने में यही 15 से 20 दिन रह गया है। तब कफिल बार बार रिकॉर्डिंग भेज रहा है कि बता कब आएगा तू, बता कब आएगा तू। मैंने आप लोगों को एक बार उस वीडियो में भी सुनाया था, कल फिर से रिकॉर्डिंग आया था कि क्या हुआ तू, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कब आ रहा है तू। तो वो मैं जो हैदराबाद के हैं, जो कफिल के दुकान में मैनेजर का काम करते हैं, तो मैं उनसे बोला कि ऐसे ऐसे कफिल बोल रहा है, उससे बोल दो कि मैं नहीं आऊँगा। तो बोले होंगे और वो सब बताए होंगे कि इस हिसाब से नहीं आ रहा, इसी वजह से नहीं आ रहा है, सैलरी कम है, रूम का प्रॉब्लम होता था, जब देखो इधर रूम खाली करना, उधर रूम खाली करना, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता था, तो सब बताया है। तो कफिल बोला होगा कि मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, रूम दे दूंगा तो आएगा। मैं बोला मैं फिर भी नहीं आऊँगा, अभी भाई के साथ ये हो गया, हम लोग खुद ही थाने में जाना, इधर जाना उधर जाना, कौन करेगा, मैं ही करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। और मान लो अभी जाऊँगा, 2 साल से नीचे आ नहीं सकते, और इधर अभी बीमार रहती है, ये परेशान है कि मान लो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एक नाजिया अकेली वो परेशान हो जाएगी, रोते रोते मर जाएगी, कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तो कैसे होगा। मान लो कोई बहू होगी, भाभी रहेगी उसकी, तो देखभाल कर लेगी और वो अकेले पड़ जाएगी। और जब भी आप लोग देख रहे हो, मैं एक वजह से और भी डर गया हूँ कि जब भी मैं जा रहा हूँ और उधर से आ रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना हो जा रहा है। 2022 में आया था तो अबू का इंतकाल हो गया, 2024 में आया तो भाई के साथ हो गया है। अब उसी से मैं डर रहा हूँ कि मैं जाऊँ फिर 2 साल बाद फिर मैं खुश होके आऊँ और कुछ हो जाए उल्टा सीधा इस सालों में, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा। यही ये कफिल इतना बड़ा कंजूस है, पनौती है, पता नहीं इसके पैसे में बरकत दिखाई नहीं देता मुझे।
जब से इसके पास काम करता हूँ 7 साल हो गया, 7 साल में मेरे पास 7,000 रुपये भी नहीं बचा है। पता नहीं कैसा किस मन से ये सैलरी देता है, जानते ही हो कंजूस आदमी कंजूसी से देगा तो उस पर उस पैसे पे बरकत नहीं होगा। पता नहीं किस मन से देता है कि वो पैसे का पता ही नहीं चलता है। इतने सालों से इतने दिनों से मैं कुछ बोलता नहीं था तो कुछ बोला नहीं। अब जब मैं बोला कि नहीं जाऊंगा नहीं आऊंगा तब अब बोलता है कि सैलरी बढ़ा दूंगा, रूम दूंगा, ये दूंगा। अब क्या गारंटी है कि मैं यहाँ से जाऊँ? अब वो मुकरे ना। आप लोगों ने देखा था, अगर मेरा ये सैलरी वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अपना अबू का रिकॉर्डिंग सुनाया था 2021 में। तनाजुल से पहले मेरे अबू साफ साफ बात किए थे कि रूम चाहिए और 1800 सैलरी चाहिए। तनाजुल से पहले उसने यही बोला था, माफ़ी मुश्किल, माफ़ी मुश्किल मतलब कोई बात नहीं, मैं दूंगा, रूम दूंगा, सैलरी बढ़ा के दूंगा। और तनाजुल कराने के बाद मुकर गया, बोला 1700 ही दूंगा तो दूंगा और रूम भी नहीं दूंगा मैं, बस ये है कि एक कामा बनवा दूंगा, तुमको जो करना है करो, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। अगर रिकॉर्डिंग आप लोग वो सुनोगे तो वही क्या गारंटी है कि अभी भी मैं जाऊं और वो सैलरी बढ़ा दे? जाने के बाद नौटंकी करने लगे, वो तो सोचेगा अब 2 साल जा नहीं सकता, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और सैलरी कम कर दे, रूम ना दे तो फिर मैं उधर बैठ कर रहूँ, तो इसके लिए उधर जाना बेकार है। हाँ, वहीं पे लगातार 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल करने का क्या फ़ायदा, कि कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई इज्जत नहीं। देखो ये अम्मी भी बीमार रहती है, एक नाजिया है कि देखभाल करती है, यही हमारा छोटा सा परिवार है, कोई बड़ा परिवार तो है नहीं कि हाँ परिवार में छोड़ के जा सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। भले लड़ती है झगड़ती है मगर काम धाम तो यही करती है, देखभाल यही करती है। और ये छोटा सा परिवार है, ये छोड़ के मैं चला जाऊँ तो ये लोग भी परेशान रहते हैं, डर डर के रहते हैं। अभी तो और भी डर हो गया है कि जब छोटे वाले भाई के साथ वो हुआ, मैं यहाँ से उतना दूर जाऊँ और वहाँ पे तकलीफ होगा तो और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे मालूम है वो कफिल का फितरत, 7-8 साल से काम किया हूँ, एक एक चीज उसका जानता हूँ मैं कि कैसा बंदा है वो। आप बोल के बुलाएगा जरूर कि बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वहाँ पे जाने के बाद वो मुकर जाएगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं वहाँ पे, अगर सऊदी में रहते हैं, कितने लोग आते जाते रहते हैं तो उन लोगों को मालूम होगा, जो यहाँ से देखते हैं। जो यहाँ से देखते हैं कभी सऊदी गए नहीं है, सऊदी के बारे में जानते नहीं है, वही कमेंट करते हैं कि चले जाओ यहाँ पे परेशान रहोगे, ये रहोगे वो रहोगे। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाने कमाने लग तो उतना कर ही ले रहा हूँ, और जैसा कट रहा है कटने दो, बाकी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा तो मेरे दिमाग के अंदर भी ये सोच है कि परिवार को परेशान नहीं करना है, परिवार को परेशान नहीं रखना है। मैं खुद ही अपना ये सोच के चलता हूँ कि परिवार को परेशान नहीं रख, परिवार को देखभाल करना मेरे खुद ही है। तो वही उसका चाल फितरत मैं जान गया हूँ। तनाजुल कराने से पहले हमने तो सब बात किया था, मैंने बात किया था, अबू बात किए थे, सबके सामने वो बोल दिया था कि हाँ रूम दूंगा, 1800 सैलरी दूंगा और खाना पीना ऐसे कभी कभार देते रहेंगे। और तनाजुल कराने के 1 घंटा बाद ही वो मुकर गया था, तो सोचो 1 घंटा में जो मुकर सकता है 4-5 दिन बाद, 1 महीना बाद क्या करेगा वो। ये है कि मैं शरीफ था, कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था, आप लोग देखते ही थे वीडियो में, यहाँ तक कि जो मेरा रूम पार्टनर बंगाली था उससे बहस नहीं कर पाता था, आप लोग खुद ही कमेंट करते थे कि भाई तुमको बोलना नहीं आता है, मारो उसको, ये करो वो करो। तो ऐसे ही इसके पास भी चुपचाप जो बोलते थे ये लोग, जो गिर गिर करते थे, जो काम बोलते थे, मैं चुपचाप कर दिया करता था, सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ाई झगड़ा जिद नहीं किया करता था। तो इसको हो गया था आदत कि चलो एक मिल गया है बेवकूफ़ सा, जितना दे रहे जो जो करवा रहे वो चुपचाप कर रहे, तो रखे थे। अब देखो ये नहीं है कि इनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर की ज़रूरत है तभी इतना परेशान है, और मेरे आने के बाद एक यूपी वाले को रखा है, तो यूपी वाले तो बर्दाश्त करेगा नहीं, वो मेरे जैसा नहीं होगा,
लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह तो करते ही होगा, या फिर ज्यादा सैलरी लेता होगा अगर अलग रूम लेके रहता होगा तो वही परेशान है, बार बार बोल रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि जानता है वो कि ऐसा मिलेगा नहीं। 7 साल से ऐसे ही नहीं कर दिया मैं, 7 साल से ऐसे ही डर कर टाइम टू टाइम हर एक काम करके दिया उन लोगों को। 6 बजे बुलाते थे तो 6 बजे जाना, रात के 2 बजे बुलाते थे तो 2 बजे जाना, आप लोग सब देखे ही हो कि किसी पार्टी में बुलाते थे रात के 2 बजे 2:30 बजे तो जाता था, कभी सुबह 4 बजे 5 बजे बुला लिए तो जाता था। तो ऐसा तो काम वहाँ पे करना ही पड़ता है हाउस ड्राइवर का। और उस वीडियो में मैंने ये बोला है कि हाउस ड्राइवरी के काम बता बता के मैंने बहुत ही बेइज्जती करवा लिया, तो मैं खुद बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ किसी ड्राइवर का। उसमें कई लोग कमेंट किए हैं कि ड्राइवरों का बेइज्जती कर रहे तू ये वो, नहीं मैंने खुद किसी का बेइज्जती नहीं किया है, मेरा बेइज्जती लोग कर रहे हैं, मेरा बेइज्जती हुआ है लोग कर रहे हैं, तो वो मैंने बताया कि मेरा बेइज्जती हुआ है, ऐसे ऐसे लोग बोले हैं जब शादी के रिश्ते के लिए जाओ चाहे कुछ भी के लिए जाओ तो ऐसे ऐसे बोले हैं, तो वो बताया है मैंने। मैं किसी ड्राइवर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ और मैं खुद ही वही काम करता हूँ, और आगे फ्यूचर में भी अगर कभी सऊदी जाना हो तो वही काम में जाऊँगा, ये थोड़ी कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो लोग करते हैं मेरे साथ वो मैंने बताया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं जो कमेंट किए हैं, अगर आप सही से समझ में आ गया होगा तो आप समझ लीजिए कि मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है तो वो मैं बताया हूँ यही। बाकी रही बात यही कि सऊदी अभी जाना है कि नहीं जाना है, आप लोग पूरा ये सिचुएशन देख ही रहे हो, सारा तकलीफ मैंने बता ही दिया है। वहाँ लोहा गाँव में रहते हैं, रिश्तेदारी में चाचा चाची ये सब लोग रहते हैं, तो उसमें छोड़ के चले जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होता। दिल्ली जैसे शहर में अकेले छोड़ के जाना है, 2 लेडीज़ को कौन देखभाल करेगा वो भी सोचना पड़ रहा है। भाई था तो भाई को छोड़ के चला गया था कि हाँ भाई देखभाल करेगा, क्यों नहीं बुलाता था मैं भाई को भी, चाहता तो मैं गया था भाई को भी बुला लिया होता सऊदी में, मगर मैंने यही सोचा था कि वो घर देखेगा घर का देखभाल करेगा। अब बीच में ये हो गया है कि भाई नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है, मैंने कफील को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, वो रिकॉर्डिंग भेज रहा है, तो आप लोगों का क्या कहना है, मैं क्या रिप्लाई दूँ। मैं यही बोलूँ कि मैं परेशान रहता था या ये रहता था, मुझे सैलरी बढ़ा के दे तो आऊँगा या नहीं आऊँगा ये बोलूँ मैं, अगर वो सैलरी बढ़ा के देता है तो मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा मुझे ये एक डिटेल देना था, मैंने तो उस वीडियो में सब बता ही दिया था, बाकी कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया था, अभी भी लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे, तो उसी का मैंने सोचा कि सही से समझा दूँ क्या क्या मामला है, क्या क्या मैंने समझाने की कोशिश किया है जो कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।